रुद्राक्ष को बड़ी अद्भुत कथाएं हैं इनके संबंध में। ये रुद्राक्ष भगवान शंकर की के नेत्रों से जब आंसू निकला टपका तो ये रुद्राक्ष बन गया, इस प्रकार का इसका पेड़ बन गया और इसमें फल लगते हैं। मैंने ऐसे रुद्राक्ष देखे हैं जो फल बादाम होता है जैसा, बादाम के ऊपर छिलका होता है, रुद्राक्ष भी ऐसे होते हैं। ये तो उसका छिलका उतार कर वो शक्ल निकलती है, वो ही असली ऐसा रुद्राक्ष पहाड़ों से मंगाया जाए, कुछ आदमी को चाहे पैसे कितने भी खर्च होते हों वही शुद्ध होते हैं। पांच मुखी जनरल रूप से मिलता है और वो बहुतायत से मिल जाता है, सबसे सस्ता होता है, पर रुद्राक्ष तो रुद्राक्ष है। मेरे यहाँ नेपाली बच्चे पढ़ते थे, वो नेपाल जाते थे तब वो बहुत सारे रुद्राक्ष तोड़कर वहाँ से ले आए, वो अधिकांश पांच मुखी थे। उनको बादाम की छिलके की तरह हमने निकाल दिया और वो रुद्राक्ष की माला बना ली। वो शुद्ध थी बिल्कुल, क्योंकि अपने हाथ की देखी हुई है, बनाई हुई है और वो भगवान शंकर का प्रतिनिधि माना जाता है। भगवान शंकर निवास करते हैं, महात्मा लोग गले में बैठते हैं, सिर में बांध लेते हैं और तरह तरह से उसका हाथ में बांध लेते हैं, पहरे रखते हैं, बाजू बंद बना लेते हैं उसका। रुद्राक्ष भगवान शंकर तो अपने सिर पर, अपने हाथों पर, अपने गले में, गले के अंदर भी पूरी बड़ी माला भी धारण करते हैं। रुद्राक्ष भगवान शंकर का स्वरूप है। रुद्राक्ष जहाँ तक होता है भगवान शंकर की कृपा लगातार बनी रहती है। ये ऐसी अद्भुत चीज़ है, रुद्राक्ष की जितनी तारीफ की जाए वो सूर्य को दीपक दिखाने के बराबर है। प्रकृति बड़ी विचित्र है, ये संसार भी विचित्र है, आप भी स्वयं विचित्र हैं। और सबसे बड़ी बात तो मनुष्य का शरीर सबसे अद्भुत है, सबसे बड़ा अजीब बात दुनिया को कोई है तो मनुष्य का शरीर। पर इस शरीर के संबंध में क्या आप पूरी तरह जानते हैं? क्या आप जो एक्शन करते हैं, जो कार्य करते हैं, वो सब कैसे करने चाहिए, क्यों करने चाहिए? मैं प्रश्न करता हूँ, क्या आपको पानी पीना आता है? मेरे विचार से नहीं। रोटी खानी आती है? नहीं आती। श्रीमान बाथरूम जाना आता है? नहीं आता। आप कहेंगे ये भी कोई बात है, मैं सच कह रहा हूँ, मुंह धोना नहीं आता आपको। जब मैं बताऊंगा तो आश्चर्य होगा कि कैसे मुंह धोया जाता है, उससे क्या लाभ है। देखिए, जानवर को बाथरूम जाना हमसे ज़्यादा बढ़िया आता है, हम सीधे खड़े होकर बाथरूम करते हैं आजकल, तो बैठकर करना ज़्यादा उपयुक्त है। ठीक है, वो उसके द्वारा बहुत सारी प्रोस्टेट ग्लैंड्स की बीमारियाँ नहीं होती हैं। आपने देखा होगा गाय बाथरूम करती है, गाय तो मुँह से त्याग करती है तो उसके पैर झुक जाते हैं थोड़े से, कुत्ता टांग उठाकर, बिल्ली बिल्कुल, वो प्रोस्टेट ग्लैंड्स की जगह खुल जाती है जरा, उससे आगे बहुत सारी बीमारियाँ नहीं होती। इसलिए ज़रूरी बात है बाथरूम करना। मैं जब बाथरूम करें तो घुटने थोड़े से झुक जाने चाहिए, या बैठकर करें तो बहुत बढ़िया बात है, पर आज सुविधा ही नहीं है बैठ के करने की, क्या करा जाए, फिर तो बीमारियाँ होंगी और ज़्यादा होंगी, उससे कष्ट होता है, पैसा भी खर्च होता है, हम टाइम भी ख़राब होता है, शरीर भी अस्वस्थ होता है। श्रीमान जी, हमारे यहाँ तरह तरह की बातें बताई गई हैं, मलमूत्र त्याग करते समय दोनों ऊपर वाले दांतों को, नीचे वाले दांतों को, जाबड़े को दबा कर रखिए, जब तक शरीर से एक्स्ट्रा मैटर मलमूत्र बाहर निकलता रहे। इससे आप के दांत 85 साल तक खराब नहीं होंगे। दांतों की सफाई तो अवश्य करनी, वो तो करिए, जब भी खाना खाएं उसके बाद 10-20 बार कुल्ले करिए, ब्रश से साफ करिए, अन्न का कोई दाना कोई चीज़ दांतों में लगी नहीं रहनी चाहिए, वो तो आवश्यक बातें हैं। पर अगर ये और करें कि आप जब मलमूत्र जाएं
जितनी देर शरीर से एक्स्ट्रा मैटर निकलता रहे उतनी देर दोनों जाबड़ों को आपस में दबा कर रखें, ऊपर वाले नीचे वाले दांत आपस में मिलाकर, तो आपका इसका टेस्ट श्रीमान। यदि आपका दांत हिल रहा है तो पर्टिकुलरली उस दांत को स्पेशली दबाइए, जब भी दिन में 24 घंटे में जितनी बार भी मलमूत्र जाएं, ऊपर नीचे वाला है तो ऊपर वाले दांत से दबाएं, ऊपर वाला दांत है तो नीचे वाले दांत से उसको दबाएं। उससे ये होगा 24 घंटे बाद हम पूछें कहिए क्या हाल है, आप कहेंगे दांत तो जम गया श्रीमान। इसलिए दांतों की बहुत सारी खराबियाँ, बहुत सारी बीमारियाँ, आपके मलमूत्र त्याग करने की ठीक विधि आपको आती है तो वो खराबियाँ नहीं होती, पायरिया जैसी बीमारी भी नहीं होती और बहुत सारी बातें नहीं होती। इसलिए आप सुरक्षित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे यदि बाथरूम जाना, मलमूत्र त्याग करने की ठीक प्रक्रिया आपको आती है। ये तो आप समझ गए। मुंह कैसे धोएं, आपकी आईसाइट कमजोर हो जाती है, मुंह ठीक धोना नहीं आता, रोज प्रातःकाल उठकर जब थक जाते हैं, रोज भोजन करने आ रहे हैं, भोजन कैसे करें, कब करें, भोजन करने से पहले क्या करा जाए, बाल की खाल ऋषियों ने निकाल दिए हैं, मलमूत्र को वेग नहीं वेगान्न धारिय दे धीमान, ये बताया गया हमारे यहाँ खास तौर से आज्ञा है। बाथरूम आ रहा है जाइए आप, सबसे पहले वो शौच आ रहा है, मल आ रहा है तो आप जाइए, उसमें रोकना नहीं चाहिए, छींक आ रही है तो रोकिए मत। बहुत से आदमी होते हैं सिर के दर्द की, स्नायु मंडल की बहुत सारी बीमारियाँ हो जाती हैं, ये आवश्यक बात है। ऐसी बहुत सारी अधोवायु आई है, आ रही है तो उठ कर चली जाइए, बाहर जाके अधोवायु को पास कर दीजिए। समाज के नियमों का भी ध्यान रखना चाहिए, पर आप छींक रोकने के लिए मुँह पे हाथ लगा लिया, खट से थोड़ा सा कर दिया, वो नहीं, आवश्यक बात है उसको खुलकर करिए। इसलिए वेगान न धारियते धीमं, ये जरूरी बात हमारे यहाँ कह दी गई। किसी प्रकार के भी वेग है तो उनको, अगर आप बाथरूम नहीं जाते, लैट्रिन आ रही है, समय हो गया है और आप अभी चले जाएंगे, एक घंटा हो गया, दो घंटे हो गए, अरे बाबा क्या करते हो, आप बीमार नहीं होंगे तो आज नहीं कल कुछ दिन के बाद बहुत लंबी किस्म की खतरनाक बीमारियां आपके पीछे पड़ जाएंगी। ये आवश्यक नियम है स्वस्थ रहने के लिए। हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे खाना खाना चाहिए, मुंह धोने की बात कर रहे थे हम। जब भी श्रीमान आबाल वृद्ध स्त्री पुरुष मुंह धोएं, सबको आज्ञा है मुंह में पहले स्वच्छ पानी भर लें और उसके बाद दूसरे पानी से आंखें खोलकर आंखों को छींटे लगाएं और वो पानी को ला कर दें, फिर दोबारा दूसरा पानी भरिए मुंह में स्वच्छ पानी और फिर दूसरा पानी लेकर आंखें खोलकर आंखों को छींटे लगाइए और फिर वो कुल्ला कर दीजिए। ऐसे तीन बार ज़रूर सुबह दोपहर शाम करना चाहिए, रात्रि को भी सोने से पहले स्वच्छ मुँह हाथ पैर धोकर सुखाकर तब सोना चाहिए। इसलिए इससे आपको महत्वपूर्ण आईसाइट के संबंध में बहुत बड़ी उन्नति होगी और आंखें कमज़ोर नहीं होंगी, चश्मा उतर जाएगा यदि आपने ये किया तो। एक जर्मन साइंटिस्ट ने इस पर बहुत बड़ी अनुसंधान किया, केवल मुंह धोने की प्रक्रिया पर। आज कंप्यूटर आ गया, आने वाले समय में तो आप देखेंगे हमारे बच्चे, अधिकांश व्यक्ति आंखें बहुत ज़बरदस्त निर्बल हो जाएंगी, कमज़ोर हो जाएंगी, सबको चश्मे लग जाएंगे, टेलीविज़न फ्लिक्चेट करता है, वो फिल्म जो होती है बहुत खतरनाक है, बार बार एक एक मिनट सेकेंड में रिमोट हम बदलते रहते हैं, ये सब आपकी आंखों को ख़त्म करने वाली बात है। कंप्यूटर लगातार आप देखते हुए काम कर रहे हैं, उससे आपका आंखें चली जाएंगी और उसका लिए यही इलाज है कि आंखों को बार बार जब थक जाए आँख उसी वक्त धोइए, मुंह में पानी भरिए, आंखों को दूसरे पानी से छींटे लगाइए, आपकी आंखें कभी कमज़ोर नहीं होंगी, आई साइड ठीक हो जाएगी। अभी अभी नंबर चेंज हुआ है तो बदल जाएगा, इसलिए ये करिए। इसके लिए और भी बात है,
कान में कभी कभी बादाम रोगन या शुद्ध तेल अवश्य दो चार दस बूंद डाला करिए। यहाँ कान के नीचे का यह हिस्सा हड्डी के ठीक नीचे, यहाँ कई हजार स्नायु मंडल का गुच्छा है, यहाँ दोनों तरफ से रगड़िए तेल लगाकर। सोने से पहले तो जरूर करिए हल्का। कान आपके बड़े ज़बरदस्त चीज़ है, ऐसी कुंजी है। आप थक के आए, बहुत बड़ा काम करके आए और थक गए बिल्कुल, अरे जरा सा तेल लीजिए और कान बड़े आराम से कान की मालिश करिए, अंदर तेल लगाइए, ऐसे करिए। और ऐसे करने के बाद ऐसे उंगली करके कान को दबा दीजिए जरा, एक मिनट में आपकी थकान दूर हो जाएगी। ऐसी अद्भुत ये है। कान बच्चे का कान जोर से मत पकड़िए, कान पर थप्पड़ मत मारिए, नहीं बच्चा का बुद्धि कमज़ोर हो जाएगी। किसी को भी ऐसा नहीं करना चाहिए, ये ध्यान रखिए। पर बहुत से अध्यापकगण माता पिता बच्चे कान ऐसी ज़ोर से पकड़ते हैं बेचारा तरस के। श्रीमान कान आदमी की एक कुंजी है, किल्ली है। जितना भी खतरनाक पशु है गाय बैल, उसका कान जोर से पकड़ लीजिए, मोड़ दीजिए। जैसे पूंछ को मोड़ने से जानवर काबू आ जाता है, ऐसे ही कान को मोड़ने से कैसा भी खतरनाक जानवर है काबू आ जाता है। तो आदमी के कान में बहुत बड़ा सेंसिटिव बात है कान अपने आप में, इसलिए कान को ध्यान रखिए। हमें तो कुछ भी आता नहीं है आज समाज के लोगों को, बच्चों को पहले गुरुजन बताया करते थे, आज तो बिल्कुल नहीं बताया जाता। कैसी विडम्बना है, रोटी कैसे खाएं, पानी कैसे पीजें। हमारे यहाँ एक पुराने ज़माने की कहावत है, रोटी पीजे पानी खाइए। आप कहेंगे ये कैसे उल्टी बात है, पानी खाया जाता है पिया नहीं जाता। हम ठीक कह रहे हैं, आपने गिलास लिया प्यास लगी तो पानी भर के कड़ा घटाक से अंदर, गलत। तब तो गैस बनेगी, फिर तो पेट की और बीमारियां होंगी ही, आप रोक नहीं सकते, क्या करें फिर। पानी जब ऐसी मुसीबत क्या है, जल्दी क्या है आपको, घूंट घूंट करके पानी पीजिए, जिससे मुंह का सलाइवा उसमें राल जिसे बोलते हैं अंग्रेजी में सलाइवा कहते हैं, मुँह में जो पानी गोलगप्पा मिठाई चाट पकौड़ी का नाम लेने पर जो मुँह में पानी आ जाता है उसे सलाइवा कहते हैं, वो राल होती है, कि राल टपक गई। श्रीमान वो चीज़ पानी में मिल जाएगी, पानी बेकार नहीं करेगा, आप समझ गए होंगे। इसलिए कितनी भी जल्दी है आप हंगामा नहीं करेंगे पानी पीने में, और रोटी खाने के साथ तो पानी पिएंगे ही नहीं। रोटी के 20 मिनट बाद हर व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए पानी पीना चाहिए। और रोटी कैसे खाई जाए, रोटी पीजिए, खाना नहीं है, रोटी को चपातियों को भोजन को पीना चाहिए। वो कैसे 32 दांत गुजरते हैं हमारे मुंह में दिए हैं, किसी के 32 होते हैं, किसी के 30 होते हैं, और कम हो सकते हैं, पर उन उतना बार तो मुँह में चबाइए। पर आप तो गजब करते हैं, अगर हलवा खा लिया, हलवा खाने के लिए आ गया या रसगुल्ला आ गया गुलाब जामुन आ गई, तो आप तो चबाएंगे नहीं, एक दो बार मुँह मारा और घटाक से अंदर। अरे भाई अन्याय कर रहे हो अपने साथ, ऐसा मत करो श्रीमान, ये ठीक नहीं है। कद आप किसी प्रकार भी मेडिकल साइंस के मुताबिक, चिकित्सा के मुताबिक, स्वास्थ्य विज्ञान के मुताबिक, प्रकृति के मुताबिक, इसलिए जानवर खाना बढ़िया जानता है मुझसे और आपसे। या तो वो सीख लीजिए, वो आप कर नहीं सकते, बताइए जानवर क्या करता है। जल्दी जल्दी आपको भी बहुत जल्दी है, जल्दी जल्दी खाते हैं, खा लिया और उसके बाद जानवर क्या करता है, उसने भी खा लिया, वो भी आपकी तरह खाता है। बराबर में दूसरा जानवर खड़ा हो तो और जल्दी खाएगा, और फिर आराम पेट भर गया, आराम से बैठकर या खड़े होकर पागुर करता है, जुगाली करता है। वो पेट में जो खाया था बिना चबाया हुआ भोजन ऐसे करेगा, मुंह में आ जाएगा और वो मुंह चलाता रहेगा। जानवर पालने वाले अधिकांश व्यक्ति जानते हैं, यदि जानवर जुगाली नहीं कर रहा है, खाना खाने के बाद चबा नहीं रहा है, मुंह को चला नहीं रहा है, तो वो बीमार है।
आप वो नहीं कर सकते। बार बार वो जब खाना चब जाता है, दलिया बन गया, पूरी तरह चूरा बन गया, वो उसे अंदर ले जाता है, फिर ऐसे ही करता है और मुंह में आ जाता है वो पेट से निकल कर खाना, बिना पचा हुआ चबाया हुआ, और फिर चबाता है और फिर बारीक करके खाने को अंदर ले जाता है। श्रीमान आप तो नहीं कर सकते ऐसा, कर सकते तो ठीक है जल्दी जल्दी खाइए, और आप नहीं तो पहले ही कम से कम 20-25 बार तो खाने को चिंगम की तरह मुंह में जुगाड़ लीजिए, और जब पानी बढ़ जाए, देखो आपके मुंह में, आपकी जबान में, आपके गले में ऐसे टिश्यूज हैं जो जो भी खाएंगे आप, कड़वे नीम के पत्ते इतने सारे खाइए, टेस्ट करिए, आज ही टेस्ट करिए घर जाकर, करेला खाइए कड़वा है तेल, पर एक मिनट तो मुंह में रखिए, चबाते रहिए चबाते रहिए चबाते रहिए, और थोड़ी देर में आपको आश्चर्य होगा कड़वा कड़वा नहीं रहा, मीठा मीठा नहीं रहा, वो आप गुड़ खाइए, रसगुल्ला खाइए चलिए, और वो बहुत देर तक मुंह में रखा, काफ़ी देर, थोड़ी देर के बाद वो टेस्ट लेस हो गया, आपके मुंह के सलाइवा में उस राल में ऐसी ताकत होती है कि खाना जो कुछ ही मुंह में लुकमा है वो नमकीन है, चरपरा है, मीठा है, खट्टा है, कड़वा है, वो टेस्ट कड़वा कड़वा नहीं रहेगा, खट्टा खट्टा नहीं रहेगा, मीठा मीठा नहीं रहेगा, इस प्रकार का वो बन जाए तब तो। ये आज ही टेस्ट करके देखिए आप, जब टेस्ट लेस हो जाए खाना मुंह का लुकमा, तो अब अंदर निगल लीजिए, ये बड़ी ज़बरदस्त वैज्ञानिक बात है। तो आप बिल्कुल स्वस्थ नहीं, अस्वस्थ कभी नहीं होंगे, बीमार होंगे ही नहीं, फिर भी सैकड़ों बातें हैं स्वास्थ्य के संबंध में जानने के लिए, वो बहुत सारी गलतियां हम करते रहते हैं फिर बीमार हो जाएंगे, इसलिए ये बातें जो बताई जा रही हैं आपको, मेहरबानी करके इनको तो अपने जीवन में लीजिए। हमारे यहाँ हमारे आश्रम पर हर रविवार को जनसाधारण के लिए सुबह 7 बजे से 9 बजे तक सत्संग होता है, यज्ञ होता है, ध्यान मेडिटेशन होता है, और उस समय ऐसी बहुत सारी अद्भुत बातें जो आपके स्वास्थ्य के लिए, समाज के स्वास्थ्य के लिए परम आवश्यक है, जिनके बारे में आपको ज्ञान ही नहीं है, आपके आसपास क्या है संपूर्ण प्रकृति को आप नहीं जानते, वो कैसे जाने, वो हम बताते हैं। आप आ सकते हैं, ऐसे अद्भुत मंत्र बताते हैं हम जिनके द्वारा आपकी बहुत बड़ी रक्षा हो सकती है, ऐसी बहुत सारी अद्भुत चीज़ें बताते हैं, और जैसा अभी बताया आपको, तो इसी प्रकार पानी खाइए रोटी पीजिए। मेरा नाम तेजस्विनी है और मैं पचकुइया रोड में रहती हूँ। जब हम यहाँ आए तो गुरुजी ने हमें ज्ञान मुद्रा के बारे में बताया, जो इस प्रकार होती है, ये करने से पढ़ाई में मन भी ज़्यादा लगता है और हम ज़्यादा अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं। मैं जब भी मुझे खाली समय मिलता है तो ज्ञान मुद्रा में बैठती हूँ तथा हर सुबह ज्ञान मुद्रा का अभ्यास करती हूँ। इससे पढ़ाई में मन भी ज़्यादा लगता है और पढ़ाई बोझ भी नहीं लगती। ज्ञान मुद्रा का प्रयोग करने के बाद मुझे पढ़ाई में ज़्यादा मन लगने लगा व मेरा पढ़ाई करते समय मेरा मन कहीं भागता नहीं था। मुझे ज्ञान मुद्रा से यही लाभ हुआ है। धन्यवाद।